दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ इंजाज मोबाइल ऐप से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और आज एकदम फ्री है। तो आप ये पूरी स्क्रीन में कर लीजिए, फुल स्क्रीन में। तो हम चलते हैं, प्ले स्टोर पे आ गए हैं, वहाँ पे लिखते हैं इंजाज। तो इंजाज लिख दिए, उसके बाद सर्च करते हैं। तो हम सर्च कर दिए हैं, हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसको हम ओपन करेंगे। हम ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। जब इस तरह से दिखेगा तो हम, यहाँ लिखा है फुल एक्सेस, उस पे से हम आते हैं क्विक एक्सेस पे। तो उसके बाद हम अपना इकामा नंबर, आईडी नंबर डालेंगे, यानी इकामा नंबर। हम आईडी नंबर डाल रहे हैं, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। जो आपके एजाज बैंक में नंबर, मोबाइल नंबर लगा होगा, उस पे आएगा ओटीपी, तो उसको यहाँ डाल देंगे। मेरे में आ गए, मैं डाल दिया, उस पे गलत बता दिया है। फिर से डालते हैं वही ओटीपी, कुछ गलत हो गया होगा। डाल दिया, उसको आप सही बता दिया। अब यहाँ पे करते हैं टॉप टू सिलेक्ट। जब सिलेक्ट पे करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जितना आप पैसा भेजे होंगे वो सब दिखेगा पूरा। तो यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा, यहाँ पे आल पे आएंगे। आल पे आएंगे जब, तो ये पूरा देखेंगे, आखिरी से ले तक, अभी तक जो भेजा होगा, अभी से लेके आखिरी तक, वो पूरा दिख जाएगा। तो हम भेजना है हमें इंडिया, तो हम चूज़ कर लेते हैं ये रियाजुद्दीन नाम, ये वेस्टर्न यूनियन पे भेजा था मैंने पहले। तो उस पर अमाउंट डाल देंगे, कितना भेजना है उतना डालने का। तो मैं डाल देते हैं, वो गलत हो गया, मेरे को 1000 लिखना था, 1100 लिख दिया। चलो मैं लिखता हूँ 1000। अब उसके बाद नीचे आएंगे, वो उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर सबसे पहले है पर्सनल, उस पर हम टिक कर देते हैं। जब हम टिक कर दिए, फिर उसके बाद है सोर्स करंसी, तो मैं सऊदी का रियाल भेज रहा हूँ, इसलिए सऊदी SAR पे रहने देते हैं, यानी सऊदी रियाल। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट कर देंगे कुछ इस तरह से दिखेगा, कितना भेजा है, कितना रेट है, और इंडिया का कितना बनेगा। और आज 0 बता रहा है फीस जो है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद पूरा नीचे तक देख लीजिए। उसके बाद है टर्म एंड कंडीशनर, उस पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करके हम ये नीचे आएंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे कन्फर्म साइड। तो यहाँ पे थोड़ा खुलने में, हाँ खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं भगा नहीं रहा हूँ, तो अब ये खुलने वाला है। उसके बाद हम, अभी खुल जाएगा, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और हुआ इंतज़ार ख़त्म। अब हम डालते हैं ऊपर अपना ATM नंबर जो 16 अंक का रहता है। तो ओपन डालते हैं अपना 16 अंक वाला ATM नंबर ऊपर में रहता है, तो उसको डाल देते हैं। ये रहा मेरा,
जब ये टीम नंबर डाल दिया, उसके बाद है ये एक्सपायरी डेट एटीएम की। तो पहले मंथ डालेंगे, उसके बाद ईयर, महीना और साल डालेंगे आखिर में। उसके बाद कार्ड होल्डर नाम, जो कार्ड पे नाम लिखा रहेगा वैसे डालिएगा। मैं यहाँ पे नाम डाल दिया। उसके बाद है सिक्योरिटी कोड यानी सीवीवी नंबर, कार्ड के पीछे रहता है, उसको हम ये यहाँ पे डाल देंगे सिक्योरिटी कोड के नीचे। अब इसको डाल के हम नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, कितना भेज रहे हैं वो सब पूरा दिखेगा। उसके बाद पे नो पे क्लिक करेंगे, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा, अब जो आपका एटीएम जिस बैंक का है उस बैंक में आपका मोबाइल नंबर लगा होगा, उस पर आएगा ओटीपी। तो वहाँ पे 4 अंक का ओटीपी डालिएगा और फिर सबमिट पे क्लिक करिएगा, तो वो पैसा आपके एटीएम से कट के जिसके पास आप भेज रहे हैं इंजाज ऐप से उसके पास पहुंच जाएगा। तो मेरे को अभी नहीं भेजना है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, और मेरी सैलरी नहीं हुई है अभी। तो क्योंकि आज फ्री था तो मैंने वीडियो बना दिया है, और आप लोग और पहले भेजिएगा तो थोड़ा पैसा यानी इंडिया का 1000-2000 भेजिएगा, उसके बाद फर्स्ट टाइम, उसके बाद कितना भी भेज सकते हैं आप भेजिए, वो नहीं है किसी पे। अब जानते हो इंडिया में वेस्टर्न यूनियन पे 50,000 भेज सकते हैं सिर्फ, और बैंक में कितना भी हो तो भेजिएगा। बस मकसद बनाना है कि आज का दिन फ्री था, आज का दिन है, अभी ये तो नहीं पता है, उस पर टाइम नहीं बता रहा है, बस इतना ही टाइम था। तो ठीक है, और भेजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।